नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। इस वीडियो में बात करेंगे वेलबींग को लेकर। वेलबींग का अर्थ होता है खुशहाली। अभी दीपावली पर्व है तो हर तरफ खुशहाली है। घरों की सफाई की जा रही है, कचरा बाहर किया जा रहा है और घरों को सजाया जा रहा है, नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। जो लोग कंपनी, ठेकेदार या सेठ के यहाँ पर काम करते हैं, उन्हें दीपावली पर मिलने वाले बोनस व उपहार का इंतजार है। आमतौर पर कंपनी, ठेकेदार या सेठ अपने कर्मचारियों को तो बोनस देते हैं या उपहार देते हैं, लेकिन उनके परिवार को भूल जाते हैं। दरअसल परिवारों की खुशहाली पर कोई ध्यान नहीं देता है, पर इस बार भारत पेट्रोलियम ने इस पर ध्यान दिया है। खुशियों की पासबुक लॉन्च की है। इस पासबुक में गैस एजेंसी पर काम कर रहे कर्मचारियों को जो है ये पासबुक दी जाएगी और उनकी उपलब्धियों को इस पासबुक में लिखा जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को उपहार दिए जाएंगे। ऐसा आमतौर पर कई कंपनियां करती है और अब सभी भारत गैस एजेंसियों पर ऐसा किया जाएगा। गुरुवार को गोगुंदा कस्बे में स्थित श्री सालासर बालाजी भारत गैस एजेंसी पर खुशियों की चाबी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एजेंसी के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों के परिजनों को उपहार प्रदान किए गए। एलपीजी के टीएम यानी टेरिटरी मैनेजर अजय पटेल, साकरोदा प्लांट के एसओ श्लोक गुप्ता ने एजेंसी के सभी डिलीवरी मैन को इनाम देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एसओ श्लोक गुप्ता ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले को आगे भी इनाम दिए जाएंगे। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भारत पेट्रोलियम ने खुशियों की पासबुक लॉन्च की है। इस कार्यक्रम का मकसद सप्लाई करने वाले कर्मचारियों के परिवारों में खुशियां बढ़ाना है। एजेंसी संचालक रिटायर्ड कर्नल बीएस राठौड़ ने बताया कि एजेंसी के सभी कार्मिकों ने समय समय पर सेफ्टी जांच करने, डिजिटल भुगतान करवाने, डिजिटल कोड के माध्यम से समय पर सप्लाई करने जैसे कार्य संपादित किए, जिस पर उनके परिवारों को कार्यक्रम में बुलाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम से पूर्व कार्मिकों के परिवारों से उनकी डिमांड की जानकारी की गई, उसके बाद उनकी इच्छा के अनुसार इनाम में एलईडी टीवी, कुकर, मोबाइल जैसे उपकरण जो है उन्हें दिए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने खुश है ये परिवार है, कर्मचारी है और कर्मचारियों के साथ में उनके परिवार भी है, जिन्हें दीपावली के अवसर पर ये जो है उपहार दिए गए। ये एक्चुअल में अभी भारत पेट्रोलियम ने लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो हमारे होकर या डिलीवरी मैन है जो घर घर जाकर के सिलेंडर देते हैं और समय पर सुरक्षा करके या डिलीवरी कोड लेकर के सिलेंडर सप्लाई करते हैं, जो पिछले दिनों से अच्छा काम किया उनको, उनके परिवारों को पारितोषित दे करके और परिवारों को भी ये महसूस कराना कि हमारा जो प्रतिनिधि काम करता है वो हमें भी देखभाल करते हैं। नहीं तो होता क्या है, डिलीवरी मैन सुबह आता है, शाम तक काम करता है, रात को जाकर के घर पे सो जाता है। घर वालों को भी थोड़ा रिकग्नाइजेशन मिले, इसलिए ये हमने एक प्रोग्राम भारत पेट्रोलियम ने लॉन्च किया है, जिसको आज उदयपुर टेरिटरी के टेरिटरी मैनेजर श्री अजय पटेल जी और एसओ साहब श्री गुप्ता जी ने सबको पारितोषित देकर के सम्मानित किया। पहले महिलाओं को, गृहिणियों को पूछा गया कि आप अपनी रसोई के अंदर या अपने घर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ आप समझते हो जो होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने एक सीनियर डिलीवरी मैन है श्री भैरूलाल जी को नियुक्त किया कि आप सभी महिलाओं से बात करेंगे और पूछ करके पिछले क्वार्टर के दौरान, दो महीनों के दौरान जिन्होंने काम किया, तो भैरूलाल जी ने सभी महिलाओं को पूछा। किसी ने बोला साहब हमारे घर में टीवी होनी चाहिए, तो हमने दो डिलीवरी मैनों को टीवी दिए, एलईडी टीवी दिए। उसके बाद किसी ने बोला हमें मिक्सी चाहिए, तो छः डिलीवरी मैनों को हमने, छः महिलाओं को मिक्सर दिए। किसी ने बोला हमें कुकर दे, तो हमने कुकर दिए। इसी मुताबिक हमारे आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। एक सामान्य सी खबर है, उसको इस तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है। अगर आपके पास भी कार्मिक है, आपकी कंपनी है, आप कंपनी मैनेजर है, कंपनी मालिक है या ठेकेदार है, या आप सेठ है और आपके पास में कई कार्मिक काम करते हैं और आप हर बार की तरह इस बार उन्हें उपहार देना चाहते हैं, तो ये खुशी के लिए ये आजमा सकते हैं कि उनके
उनके परिवारों से पूछा जाए और उनके परिवारों को ये उपहार दिए जाए, उनकी पत्नी माँ बच्चों को पूछकर उनकी इच्छा का उपहार उनको दीजिए, इससे उनको खुशी मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बड़गांव ब्लॉक के भूताला ग्राम पंचायत क्षेत्र के मिंदावतों का भागल की है। गुरुवार की रात को गोगुंदा थाना क्षेत्र की भूताला ग्राम पंचायत की मिंदावतों की भागल के समीप एक पैंथर पिंजरे में कैद हो गया। शुक्रवार सुबह इसकी जानकारी मिलने पर सैकड़ों ग्रामीण उसे देखने के लिए एकत्र हो गए। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पिंजरे को उदयपुर स्थित सज्जनगढ़ बायोपार्क में ले जाया गया। उल्लेखनीय है कि 20 अक्टूबर को भूताला ग्राम पंचायत की हिरावतों की भागल में पैंथर ने तुलसी सिंह की गाय का शिकार किया था। सरपंच मोहन सिंह राजपूत ने बताया कि गांव के पास पैंथर कई दिनों से घूम रहा था। कुछ दिनों पहले चंदन सिंह की पत्नी उसकी बेटी घास लेने के लिए जा रही थी, तब पैंथर दिखा था, जिस पर वे चिल्लाए तो पैंथर जो है वहां से भाग गया था और वो खुद भी वहां से डर कर भाग गई थी। इसकी जानकारी वन विभाग के वनपाल लाल सिंह को दी गई थी। लाल सिंह को मौके पर बुलाया गया, साथ ही पिंजरा लगाने की मांग की गई थी, लेकिन तब पिंजरा नहीं लगाया गया। पैंथर के हमले से तुलसी सिंह की गाय के मरने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया और लोगों ने पिंजरा लगाने की मांग की। तब सोमवार को यहां पर पिंजरा लगाया गया। अंततः गुरुवार रात को पैंथर पिंजरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि उदयपुर जिले के बड़गांव गोगुंदा व सायरा ब्लॉक के लगभग हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में पैंथर दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों में खासा आक्रोश है। वन विभाग अब तक छाली ग्राम पंचायत क्षेत्र से 3, मजावत ग्राम पंचायत क्षेत्र से 1, बड़गांव ब्लॉक के लखावली व भूताला ग्राम पंचायत क्षेत्र से 2 पैंथर पकड़ चुका है। इनमें से लखावली के समीप से पकड़ा गया पैंथर बायो पार्क में पिंजरे से भाग गया, जिसके बाद से वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चलाकर उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है।